सिंगरौली में पुलिस ने मादक पदार्थों का अवैध रूप से व्यवसाय करने वालों पर कार्रवाई की और दो अलग अलग जगहों से दो व्यक्तियों से 19 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया। सराई थाना प्रभारी संतोष तिवारी ने बताया कि दो लोगों को 19 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों गांजा कारोबारियों की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। एक गांजा कारोबारी सीधे जिले के मझौली थाना क्षेत्र का निवासी है, जिसका नाम राजीव कुशवाहा है, जिससे 10 किलो गांजा जब्त किया गया है। वहीं दूसरा कारोबारी मोहित दुबे है, जिसके पास से 9 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। जांच में पाया गया है कि दोनों गांजा कारोबारी एक दूसरे से कनेक्ट है। दोनों गांजा कारोबारियों को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सरई थाना क्षेत्र काफी बड़ा है और यहाँ नशे का जो कारोबार है गांजा, ये विशेष रूप से इस पर ज़्यादा सतर्कता बरते हुए हमारे पुलिस कप्तान महोदय ने सब विशेष रूप से सख्ती बरतने के निर्देश दिए थे। उसी के संदर्भ में हमने मुखबिर लगा रखे थे और कल हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जो है वो निगरी तरफ से गांजा लेकर जो है वो इस तरफ सरई तरफ आ रहा है, तो उसको एक टीम बनाकर घेराबंदी करने के लिए भेजा, तो समूह गेट के पास उसको पकड़ लिया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।